अब बंद करो क्या हो गया रो क्यों रहे हो तो ये यहाँ पे मेजरिंग स्टार्ट हो गई है ये मैं अंदर से आपको दिखाती हूँ और जो जो मेरा प्रोजेक्ट पे काम करना है और आपको बता आज मैं कैसे काम करवा रही हूँ वो भी बताती हूँ सामने भैया मेजरमेंट कर रहे हैं एक को यहाँ लगा रखा है एक को पीछे लगा रखा है क्लिनिक से मैं अभी आई हूँ साढ़े छह हो चुके हैं यहाँ पे मेजरमेंट करवा रही हूँ बाहर स्कूटी खड़ी है अभी घर जाना है शूट करना है मतलब ये सब चल रहा है सुबह से आज और आज यार दिन बहुत बेकार था मैं सच बात बोलूँ मतलब बस हेलो एवरी वन वेलकम टू अर वीलॉक्स और ये हमारी पंचायत के लोग बैठे हैं और ये लोग क्यों बैठे दो मिनट अच्छा सब कहता है कि नहीं है देखो पता क्या होता है आप लोग बोलते हो ना रिद्धि को को बैठना क्योंकि रिद्धि के एग्जाम्स हैं और रिद्धि इतनी समझदार है नहीं कि आके पढ़ाई कर ले आके सोएंगी फिर इनको बुलबुल चुलबुल चुलबुल दिखा दू मैं कहा बुलबुल यहाँ है चुलबुल वहा है अपने मालिक के पास क्यों वो बहुत ज्यादा बीमार है वो तो उसकी ना मतलब उसकी क्या है ना कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो यार हमने ना यहाँ पे डॉक्टर से है तो उन्होंने कहा कि अगर भाई आप इसको रिटर्न कर दो क्योंकि इसकी तबीयत है नहीं ज्यादा ठीक और यार मम्मी पता क्या तुम्हें एक बात बताऊ हम लोग ना आज गए थे क्लिनिक पे ठीक है वहां पे मम्मी लोग ना जैसे जैसे लोग मम्मी अपने सगे अपने बच्चों के लिए करते हैं ना वैसे ही अपने पेट्स के लिए करते हैं एक वहां पे था डॉग था तो वो ना मतलब बहुत च, बहुत बीमार था तो ना उसकी किडनी वगैरह सिर्फ बीस परसेंट काम करती बची थी तो मतलब वहां पे जैसे वैसे वैसे बात करे कि डॉक्टर साहब देख लो क्या इसकी किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है तो वो वो बता रहा कि की नहीं सर हम हम ना घर पे रोई जा रहे हैं हमारा मन नहीं लग रहा है क्योंकि छह साल से इसको सिर्फ हमने खेलते देखा है सबसे और ये अब इतना गुमसुम हो गया इसकी किडनी फेल होगी क्योंकि बोलते जब हमने बच्चा लिया था ना तो इसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे उसने बताया नहीं फिर उन्होंने वापस नहीं लिया तो हम दवाई खिला रहे थे साल से से दवाई देने से इसकी किडनी फेल हो गई ये सब रिचार्ज कर तो मम्मी सील रहे अपना सूट ये उपासना खेल रही है बुलबुल चुलबुल के साथ में और मैं मम्मी एक सरप्राइज बताता हूँ तुम्हें ठीक है तो बहुत से लोग कई टाइम से कह रहे थे शायरी और मैं कह रहा था कि एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट आने वाला है कुछ आने वाला है कुछ आने वाला है तो एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है उसका नाम है मम्मी हम सफर तो मम्मी ने मम्मी को मैंने आज सुबह सुनाया था और उपासना कल रात को सुनाया था सही है ना? बहुत अच्छा है। उसमें जो कमी थी वो मैंने बता दी थी वो सारा भी वो चेंजेस हो जाएंगे सारे के सारे वो हो गया है वो उस पर चेंजेस पे चल रहा है सारा तो आप लोग कमेंट करके गैस करके बताओ कि हम सफर है क्या ठीक है देखते हैं कितने लोगों ने सही गैस किया है आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि हम सफर से आप लोगों का क्या गैस है भैया ये ढूंढ रही है हमको इस वाली किटन की ना यार मतलब बहुत ज्यादा अटैचमेंट होना से पता ये जो लोग होते है ना यार ये ना बिजनेस, बिजनेस के चक्कर में ना मतलब इसको ना मैंने पहले दिन से ही बोला था मैंने कहा यार ये ना ठीक नहीं है ये किटन आप प्लीज इसका ध्यान रखो पांच दिन अपने पास रखें जी बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत होगी तो बताना अरे आप ये समझो ना कि यार सामने वाले की अटैचमेंट हो जाती है और ना बहुत सारे लोगों ने ना इसको एज अ बिजनेस बना रखा है वो बंदा बता रहा था कि लोग साल के तीस तीस साठ साठ लाख जैसे मुर्गी फार्म होते ना वैसे किटन्स खोल रखे हैं लोगों ने और भाई वो ना ऐसे रहे होते हैं क्या हो गया ये ठीक हो जाएगी आएगी वापस यार ये ना बहुत देर से रोए जा रहे मैं इनको समझा रहा हूँ कहा भाई तू समझ मेरी बात ठीक है कि इसकी भलाई के लिए ही है क्योंकि अपनी मदर के पास जाएगी ये बहुत सही फील करेगी तो समझ इस बात को और यार इसके ना एक्चुअली आज पूरे ना मोशन वगैरह जो हुआ उसमें तो बहुत ज्यादा ब्लड वगैरह आया अब यार वो मोशन वाली फोटो तो मैं लगाता सही लगूंगा नहीं है ना लेकिन क्या हुआ जो इसने आज मोशन पास किया ना उसमें यार सुबह बहुत ज्यादा ब्लड आया और सुबह सुबह उपासना ने भेजा फिर मैंने उस बंदे को कॉल करके ना बढ़िया वाला बढ़िया वाली सुनाई मैंने उसको मैंने कहा यार तेरा दिमाग खराब है मैं मैं ना क्योंकि यार उस, उसको यही चीज समझाई मैंने कहा भाई तेरे लिए बिजनेस है पर हमारे लिए ना इमोशंस जुड़े हुए हैं तो इस चीज की ना भाई थोड़ी सी कदर कर अरे नहीं नहीं हो जाएगी ठीक मैंने कहा भाई आज ये पंद्रह दिन से परेशान है जिस ब्रीडर से लेकर आए उसको दे अपनी मदर के पास जाएगी थोड़ा अच्छा फील करेगी और उस ब्रीडर को बोल के भाई बहुत ज्यादा परेशान है और उसको फिर मैंने फिर अगली लाइन ये बोली मैंने कहा भाई देख फिर बाद में ये मत बोलियो कि तू बोल रहा है ऐसे कर रहा है फिर बाद में फिर मैं अपनी वाले पे आऊंगा फिर तेरे को लगेगा कि यार लोग उल्टा सीधा बोलते हैं तो उससे काफी देर बहस हुई फिर उसने कहा कि और कोई डॉक्टर हो ना अगर वो कह दे कि इसमें दिक्कत है तो, तो बताइए फिर मैं डॉक्टर साहब के पास लेके गया जो यहाँ पे नजफगढ़ में उन्होंने कहा कि भाई इस टर्न को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और उन्होंने सारी की सारी प्रिस्क्रिप्शन पर लिख के दी अब कल मैं इसको लेके जाऊंगा फिर देखते हैं तो ये सारा सेटअप हो गया है टर्न एंड मैं आ गया हूं यार शूट करने और नरेंद्र सेवल चैनल के लिए वीडियो क्योंकि यार उस चैनल पर मेरे पास कोई भी वीडियो स्पेयर में नहीं थी एंड यार मैं ना कुछ पिछले कुछ दिनों से ना मैं इतनी भागा दौड़ी हुई हूँ पर आने वाले जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स रिलीज होते जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि भाई मैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्लान कर रहा था इसलिए मेरा बिल्कुल टाइम नहीं बचवा रहा था साथ साथ ये हॉस्पिटल वाला हो गया तो ये इसका सारा इंटीरियर का देखना क्योंकि उपासना यार ओपीडीज वगैरह में रहती है तो उनके पास थोड़ा सा टाइम कम है तो चलो फटाफट मैं शूट करता हूँ स सड़ गई भाग भाग के करने में सारा फटाफट शूट करता हूँ उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा अच्छा है और जब तक ये ब्लॉग आएगा ना तब तक ये वीडियो आ चुकी होगी और नींद से पर ये रिलेशनशिप वगैरह के बारे में जब से आए हैं ना यार ये ना रोए जा रहे हैं रोए जा रहे हैं हद कर रखी है अब उसके बैठ के ना रजाई अंदर डाल के मुंह और रोए जा रही हैं बेबी है ना इसको देखो है? जैसे इसको ले आना ये और ज्यादा रोने लग गए मम्मा का बेबी हो आप तो कई बार मेरे को लगता है ना कि क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है ना तो मे भी ना ये अपनी मदर से सेपरेट होके ना रह नहीं पा रही है क्या हो गया मम्मा को नहीं बताओगे हम देखो इसकी ना आई एक बार देखो मतलब ये ना इतना इतना रो रही है मतलब ना बिल्कुल ना ये गुमसुम सी बैठी रहेगी एक जगह में बिल्कुल और गुमसुम अगर आप इसको छोड़ दो ना तो पूरा पूरा दिन एक ही जगह पे ऐसी बैठी रहती है तो यार इसीलिए ना कुछ समझ नहीं आ रहा और मैंने उनसे बात की जो डॉक्टर है तो उन्होंने कहा कि जहाँ से आप इसको लेके हो ना आप अगर उनको दे दोगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है सो गुड मॉर्निंग एवरी वन यार अभी मैं निकल रहा हूँ बस लेकर चुलबुल को जो अपने नाम के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं इस टाइम पे हैं और ये बुलबुल बुल देखो बल्कि मेरे को लगता है इसका नाम चुलबुल रखना चाहिए था ये ना यहाँ पे रजाई थोड़ी सी नीचे हो गई थी ठीक है इस रजाई के अंदर यहाँ पे ये घुस कर बैठी है तो यार इसकी ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ले आओ एंड हमें आप दे दो जो आगे ब्रीडर हैं उनको पास ऑन कर देंगे तो यार सुबह भी ना उपासना बहुत ज्यादा रोके गई है मतलब वो ना सुबह उठी इसको हक करके रोने लग गए और मम्मी का भी ना थोड़ा सा मूड ऐसा ही हो रखा है एंड मैं दिखा तो रहा हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग अभी मैं इसको छोड़ के आऊंगा तो पता नहीं ठीक है बट क्या करें अभी इसकी ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेचारी ना यार ऐसे बैठी रहती है ठीक है बेटा ये रोए जाती है मा बेटा